एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने बेसिक्स ऑफ आईपीआर की हिंदी सीरीज स्टार्ट की है। सो आज के सेकेंड लेक्चर में हम सीखेंगे पेटेंट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पेटेंट, फिर हम देखेंगे कि पेटेंट क्या सिक्योर करता है, टाइप्स ऑफ पेटेंट, क्या पेटेंट मॉडिफिकेशंस पे फाइल हो सकती हैं, फिर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स सिंपल पेटेंट्स के बारे में, कुछ एग्जांपल्स कॉम्प्लेक्स पेटेंट्स के बारे में, और कौन कौन पेटेंट अप्लाई कर सकता है, और क्या पॉइंट्स हमें याद रखने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ पेटेंट। पेटेंट राइट्स एक्चुअली एक इनोवेटर को ग्रांट किया जाता है बाय अ गवर्नमेंट, जिससे वो इनोवेटर किसी और को रोक सकता है वही सेम आइडिया को वापस डेवलप करने में, सेल करने में कुछ प्रिसाइज टाइम स्पैन के लिए। सो पेटेंट वो राइट प्रोवाइड करता है। मुझे बेसिकली ये डेफिनेशन ज्यादा पसंद है, जो ये कहता है कि पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है एक प्रोडक्ट पे या एक प्रोसेस पे, जो कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करता है या किसी भी चीज को करने का एक नया मेथड प्रोवाइड करता है, जिसके बिहाफ पे जो इन्वेंटर है उसको पूरा आइडिया डिस्क्लोज करना पड़ता है। इट इज अ डिस्क्लोजर ऑफ एन इन्वेंशन। ओके, एक प्रीडिफाइंड टाइम के लिए गवर्नमेंट वो राइट उसे प्रोवाइड करती है। सो आई थिंक इससे हमें पेटेंट के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है। बेसिकली पेटेंट क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है या प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट एक कंसेप्ट को, एक थियोरिटिकल आइडिया को, एक प्रोसेस को सिक्योर करता है। अलॉन्ग विद दैट आप एक मशीन का डिजाइन, आप एक प्रोडक्ट डिजाइन, आप कोई बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन करते हैं उसे भी पेटेंट से सिक्योर कर सकते हैं। इवन अगर आप कोई भी प्लांट में मॉडिफिकेशन करते हैं, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, कोई भी प्लांट पे आप राइट्स नहीं ले सकते, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन किया है, कुछ मॉडिफिकेशन किया है, तो उस पे आप पेटेंट ले सकते हैं। कोई केमिकल इक्वेशंस इन्वेंट की है उस पे आप राइट ले सकते हैं, या एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया है उन चीजों पे भी पेटेंट अप्लाई किया जा सकता है। या आई नो हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिए या बहुत सारे कंसेप्ट्स के नाम लिए, हम उसे दो टाइप में बाइफर्केट करते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली फर्स्ट हम समझेंगे डिजाइन पेटेंट के बारे में। अगर आपने कोई प्रोडक्ट के या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ स्ट्रक्चर में, दैट मीन्स सिर्फ एक्सटर्नल या इंटरनल डिजाइन पे मॉडिफिकेशन किया है, तो आप उसे डिजाइन पेटेंट से सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने सपोज एक बॉटल का डिजाइन किया है, या एक बहुत बड़ी कार है जिसका सिर्फ आपने डिजाइन किया है, वर्किंग में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डिजाइन स्ट्रक्चर को बदला है, बड़ी चीजों की क्या बात करते हो आप। अगर आपने सिर्फ एक पेन के निब का डिजाइन चेंज किया है, तो भी आप उस पर डिजाइन पेटेंट सिक्योर कर सकते हैं। क्या आपको पता है वर्ल्ड में मोर देन 4000 पेटेंट सिर्फ चेयर की डिजाइन पे फाइल की गई है। यार एट द एंड चेयर आपको बैठने के ही काम आता है, राइट? स्टिल उसके 4000 डिजाइंस पेटेंटेड है। अब बात करते हैं यूटिलिटी पेटेंट के बारे में। यूटिलिटी पेटेंट कोई भी कंसेप्ट या आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। बेसिकली अगर आपको यूटिलिटी पेटेंट फाइल करना है, सो उसमें आपको उसके एंटायर कंपोनेंट वर्किंग, उसके हर एक पार्ट्स के बारे में इलैबोरेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सपोज आपने एक मशीन इन्वेंट की है, या एक प्रोडक्ट इन्वेंट किया है, या कोई केमिकल मेथड इन्वेंट की है, या आप बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं और एक कुछ भी इन्वेंट किया है, हर एक कंपोनेंट, हर एक छोटी सी छोटी चीज, उसकी वर्किंग, उसकी इंटरलिंक्स, हर एक चीज को इलैबोरेट करना पड़ेगा अगर आपको यूटिलिटी पेटेंट फाइल करना है। तो इधर सिर्फ डिजाइन सक्सेस स्ट्रक्चर पे नहीं, एंटायर वर्किंग पे आपको राइट्स ग्रांट किए जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको डिजाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट के बारे में काफी क्लियरली समझ में आया होगा। तो पेटेंट को बेसिकली दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, वन इज डिजाइन पेटेंट एंड अदर इज यूटिलिटी पेटेंट। ओके, सो क्या आपको पता है वर्ल्ड में 90% पेटेंट्स सिर्फ मॉडिफिकेशंस पे फाइल की जाती हैं।
दैट मींस प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर वो प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन करें तो आप उस पे पेटेंट राइट्स ले सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ फुल न्यू चीज इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, अ बेसिक मॉडिफिकेशन एंड यू कैन हैव पेटेंट राइट्स ऑन इट। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, पहले लैंडलाइन फोन हुआ करते थे राइट, उसके बाद आया कॉर्डलेस, फिर आए आपके वो छोटे वाले मोबाइल फोन्स राइट, जो हैंडसेट्स आपने बहुत टाइम तक यूज किया होगा, उसके बाद आए स्मार्टफोन्स एंड फिर स्मार्टफोन्स की मल्टीपल वैरायटी, उसमें काफी मॉडिफिकेशंस आए। हर एक डिजाइन या हर एक फीचर जब भी आपके ये इंस्ट्रूमेंट में ऐड हुआ, बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या था, अगर किसी को कम्युनिकेट करना हो तो, यू नो डिस्टेंट कॉल्स करने हो तो, उसके लिए ये एप्लीकेशन का इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद उसके डिजाइन में मॉडिफिकेशन आए, उसके हर एक चीज में मॉडिफिकेशन आई, हर एक माइनर चेंज पे किसी ना किसी का पेटेंट है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स कि आप मॉडिफिकेशंस पे भी राइट्स ले सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपको ये आना चाहिए कि क्या कोई भी चीज पे आप पेटेंट ले सकते हो, कैन एनीथिंग बी पेटेंटेड? द आंसर इज येस। और ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ इजी एंड सिंपल पेटेंट्स। 2002 में एक बंदे ने सिर्फ झूला झूलने की स्टाइल पे, मेथड ऑफ स्विंगिंग पे पेटेंट फाइल किया था एंड उसके राइट्स हैं उस पर, इट्स अ ग्रांटेड पेटेंट। जो यू नो माउस ट्रैप्स आप यूज करते हैं चूहे पकड़ने के, उसके फर्स्ट डिजाइन पेटेंट हुआ था 1879 में। जो सेफ्टी पिंस, यू नो इट इज वन ऑफ द वेरी हेल्पफुल इक्विपमेंट एक वुमेन के लिए, उसका पेटेंट फर्स्ट टाइम 1849 में हुआ था। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी सिंपल एंड ईजी पेटेंट्स। अब हम देखेंगे सम ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज जिसके ऊपर पेटेंट्स मिले हैं। ऑब्वियसली द मेडिसिन वायग्रा, जिसका पेटेंट अप्लाई हुआ था 1998 में राइट। जो एरोप्लेन जो आप कम्यूट के लिए यूज करते हैं, राइट ब्रदर्स ने उसका इन्वेंशन किया था 1906 में। गर्मी की दोपहर है, सबसे पहले याद आता है एयर कंडीशनर, उसका इन्वेंशन हुआ था 1902 में। सो कोई भी छोटा कंसेप्ट हो, बड़ा कंसेप्ट हो, इट इज न्यू, इट इज नोवल, आप उस पर राइट्स ले सकते हैं यूजिंग पेटेंट्स। ओके, सो अब हम जब पेटेंट की बात करते हैं, सब बोलते हैं अच्छा किसी भी चीज पे तो पेटेंट हो सकता है, बट क्या कोई भी पेटेंट फाइल कर सकता है? एक्चुअली द आंसर इज येस, विदाउट द रेस्ट्रिक्शन। आपको विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, आप कितना पढ़े लिखे हैं, या फिर क्या जेंडर है, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, ट्रांसजेंडर है, डजंट मैटर, यू कैन अप्लाई फॉर अ पेटेंट। इसके एग्जाम्पल में वर्ल्ड का यंगेस्ट पेटेंट होल्डर जो कहा जाता है सैम हॉटन, सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने एक ब्रूम का डिजाइन पे पेटेंट अप्लाई किया था। और इंडिया के यंगेस्ट पेटेंट होल्डर है रिदेश्वर भट्टी, जिसने एक चेस बोर्ड के डिजाइन पे अपनी 9 साल की उम्र में पेटेंट अप्लाई किया था। वो सिर्फ 13-14 साल के थे जब उनके पास ऑलरेडी 4 पेटेंट के राइट्स थे। सो हियर यू कैन सी, कोई एज बैरियर या फिर यू नो क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, अगर आपके पास एक इनोवेशन है तो आप उस पर पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि हमें कौन से पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट, पेटेंट कोई भी कंसेप्ट या डिजाइन पे फाइल किया जा सकता है। हर कंट्री के अपने पेटेंट रूल्स होते हैं, देयर इज एवरी कंट्री हैज देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन, ओन रूल्स। ओके, पर पेटेंट पूरे वर्ल्ड में एक ही बार फाइल किया जा सकता है। सी ऑब्वियसली इन्वेंशन एक ही बार हो सकता है, वो कोई भी कंट्री में फाइल किया गया हो, इट कैन ओनली बी अकर्ड वंस। आपको पेटेंट राइट्स मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपने इमेजिन कीजिए गन का डिजाइन किया या बॉम्ब का डिजाइन किया, ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉम्ब बना सकते हैं। उसके अलग राइट्स एंड रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है तो। बट हाँ, आप किसी को भी वो मैन्युफैक्चर करने से रोक सकते हैं। आप भले ही खुद ना बना पाए, बट आप किसी और को ना बनाने दे सकते, लाइक यू कैन स्टॉप समवन फ्रॉम मेकिंग इट। ओके, एंड पेटेंट की एक प्री डिफाइंड लाइफ स्पैन होती है, पेटेंट राइट्स अनंत के लिए नहीं होता, बेसिकली मैक्सिमम 20 इयर्स तक होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पेटेंट वो कम भी हो सकता है। ओके, एंड
हर एक बंदा पेटेंट अप्लाई कर सकता है, इवन विदाउट द हेल्प ऑफ एन अटॉर्नी, यू कैन फाइल इट योर सेल्फ। सो आई होप ये लेक्चर के बाद आप मोटिवेट हुए होंगे कि कोई भी पेटेंट अप्लाई कर सकता है और आपका पेटेंट के बारे में कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेशन में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप चैट कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारी वेबसाइट है www.mycrave.co.in या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@mycrave.co.in। आप हमारा फेसबुक पेज डेफिनेटली विजिट कीजिएगा, उसमें काफी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक अस, डू शेयर अ वीडियो। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क के बारे में तो आप डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। So, till we meet next time, beware and do remember, use it before you lose it.